हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है BKG IAS PCS क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट ऑफ CDS PYQ सीरीज ऑफ हिस्ट्री। एंड जो क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं CDS में, वो हम पार्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। एंड वी विल डिस्कस पार्ट फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अमंग द फॉलोइंग विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलहकुल। सुलहकुल नीति जो थी, किस सम्राट सम्राट और एम्परर ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट, अकबर। अकबर हैड इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलहकुल। ठीक है, ये यूनिवर्सल पीस पर रिलेटेड थी, मतलब एक शांतिवादी नीति के तहत। एंड क्वेश्चन नंबर 2, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ट बाई नरसिम्हदेव फर्स्ट, टू विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग टू। नरसिम्हदेव फर्स्ट ने सन टेम्पल ऑफ कोणार्क बनवाया था, वो किस वंश और डायनेस्टी से रिलेटेड था। ठीक है, वंश पूछ रहा है इसका, तो इंपीरियल गंगा डायनेस्टी जो थी उससे रिलेटेड था नरसिम्हदेव, गंगा डायनेस्टी। एंड क्वेश्चन नंबर, मोस्टली दे विल आस्क दैट गंगा डायनेस्टी, दे विल गिव इन द ऑप्शन गंगा डायनेस्टी, बट हियर दे हैव मेंशन इंपीरियल गंगा डायनेस्टी। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देर आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड द कैलेंडर बेस्ड ऑन सकेरा। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी सकेरा से बेस्ड कैलेंडर को फॉलो करते थे, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, सग एरा का जो कैलेंडर था वो फॉलो नहीं किया था। एंड क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2, द नेशनल कैलेंडर कमेंस्ड ऑन चैत्र पन सका 1879 कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्च 22 1957 AD। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ओनली टू इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इमीडिएटली प्रिसीडिंग चक्रवर्ती राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो थे, उनसे जो पहले जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। ठीक है, मार्क्वेज ऑफ लिनलिथगो को एंड लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द प्रिसीडिंग गवर्नर ऑफ सी राजगोपालाचारी, एंड माउंटबेटन वाज फॉलोड बाय सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन के बाद जो गवर्नर बने थे वो सी राजगोपालाचारी बने थे। ठीक है, दिस द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM इन इंडिया कमेंस। ठीक, कॉमर्स दे रखा है, कमेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन पढ़ते हैं। CDM जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी, दांडी मार्च, नो टैक्स कैंपेन बाई सरदार पटेल, अनफर्लिंग ऑफ नेशनल फ्लैग बाई नेहरू, महात्मा गांधी इज गोइंग ऑन फास्ट। दांडी मार्च से CDM की जो थी नींव रखी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इन 1930। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस एट अ दरबार एट इलाहाबाद द अजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई द सॉवरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आफ्टर 1857 के बाद जो इलाहाबाद दरबार हेल्ड हुआ था, जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी, उन्होंने कहा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट मैनेज करेगी। ठीक है, तो किसने हेल्ड करवाया था, लॉर्ड कैनिंग ने हेल्ड करवाया था। उस समय के जो गवर्नर जनरल जनरल थे उस दौरान। एंड क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, थर्ड कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट बर्मीज वॉर, फर्स्ट
फर्स्ट मैसूर वॉर एंड सेकेंड अफगान वॉर। जो थर्ड कर्नाटिक वॉर जो हुआ था वो था 1756 से 1763, 1756 से 1763 तक हुआ था। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था 1767 से 1769, 2 साल के लिए हुआ था फर्स्ट मैसूर वॉर। ठीक है, तो 1 और 3 एंड 2। फर्स्ट बर्मीज वॉर जो हुआ था वो 1824 से 26 तक हुआ था। सेकेंड अफगान वॉर जो हुआ था वो 1878 से 80 के बीच में हुआ था। तो 1324 हो जाएगा, 1324 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। एंड क्वेश्चन नंबर 9, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन टू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9, नागपुर सेशन, इलाहाबाद सेशन, सूरत सेशन। तो सूरत सेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी, स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड बाई दादा नेहरू, दादा भाई नौरोजी, इन 1866, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा शहर था, लंदन। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड है, ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो मैडम ब्लावत्स्की ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 का बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, 12, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉलिशन दैट फाउट अगेंस्ट द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, जो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था अंग्रेजों से, तो वॉज नॉट अ पार्टी टू कॉलिशन, जो कॉलिशन हुआ उसमें कौन सा जो सम्राट था, एम्परर था, वो पार्टी में पार्टी नहीं था। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 12, तो मीर जाफर वॉज नॉट अ पार्टी टू द बैटल ऑफ बक्सर। एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट जो हुए थे उनका सीक्वेंस क्या है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो 1940s में हुआ था, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, सबसे लास्ट में QIAM हुआ था। एंड ऑप्शन बी NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। NCP, NCM, CDM, QIAM। एंड क्वेश्चन नंबर 14, द मुसलमान, द हैंड रिटन डेली न्यूज़पेपर इन द सर्कुलेशन सिंस 1927 इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, द मुसलमान जो न्यूज़पेपर था वो हैदराबाद, सिंस 1927 से पब्लिश हो रहा था, वो लखनऊ से पब्लिश हो रहा था। ठीक है, वो ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 15, द अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अर्थशास्त्र जो था ट्रीटाइज था ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एंड देर आर फोर ऑप्शंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल फिलॉसफी, रिलीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड था अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, 1905, 1905, चौरी चौरा इंसिडेंट, एंड 1922, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930,
ठीक है, तो 1, 2, 3 इज द राइट, क्योंकि 1905, 1922, 1930, 1, 2, 3 इज द करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उस दौरान वाइसराय कौन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, एंड एट दैट टाइम द वाइसराय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन वॉज द वाइसराय। एंड क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे वो किस एक्ट से मुस्लिमों के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग, दे हैव गिवन लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। इन लिस्ट फर्स्ट दे हैव गिवन सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड लिस्ट सेकेंड दे हैव गिवन प्लेसेस, एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। पहला जो सेशन था बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 19, इन लिस्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड सेशन जो हेल्ड हुआ वो कहाँ हेल्ड हुआ था, इससे रिलेटेड है। कैलकटा में दूसरा सेशन हेल्ड हुआ था। एंड थर्ड सेशन सी, थर्ड सेशन हेल्ड इन मद्रास। एंड फोर्थ सेशन इलाहाबाद। ए फॉर आगरा इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। पहला ऑप्शन बॉम्बे, दूसरा कैलकटा, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। एंड क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड हु ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी, ट्रीटी कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड हु विच ऑफ द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, तो लॉर्ड मिंटो जो थे उनके बीच में ये ट्रीटी कंक्लूड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, द बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन नाउन एज टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ एट सारनाथ। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन का जो भाषण दिया था, डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन उपदेश वो सारनाथ में डिलीवर किया था। क्वेश्चन नंबर 22, हुज फिलोसफी इज कॉल्ड अद्वैत। ठीक है, किसकी जो दर्शन है वो अद्वैत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, शंकराचार्य जो थे उनका जो दर्शन है, फिलोसफी है, वो अद्वैत के नाम से जानी जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, नवाब सलीमुल्ला, एक आगा खान। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के फाउंडर नहीं थे। ठीक है, शौकत अली भी नहीं थे, नवाब सलीमुल्ला भी नहीं थे, आगा खान वाज द फाउंड ऑफ मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 24, इन बुद्धिज्म व्हाट इज द पतिमोक्ष मोक्ष स्टैंड फॉर। पतिमोक्ष किसके लिए जाना जाता है एंड मीनिंग ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, दे हैव गिवन फोर ऑप्शंस, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ महायान बुद्धिज्म, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हीनयान बुद्धिज्म, द रूल्स ऑफ द संघा, एंड क्वेश्चन ऑफ किंग मिनेंडर। किंग मिनेंडर से रिलेटेड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, द रूल्स ऑफ संघा जो है पति मोक्षा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने लेड। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन हैड बीन लेड डाउन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। एंड क्वेश्चन नंबर 26,
व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक, निम्नलिखित घटनाएं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? बारदोली सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो हेल्ड हुआ था वो 1917 में हुआ था, नागपुर सत्याग्रह जो हेल्ड हुआ था वो 1923 में हुआ, बारदोली 1928 में, एंड राजकोट सत्याग्रह 1939 में हुआ था। सबसे पहले चंपारण रहेगा, तो 3 देखते हो, ऑप्शन स्टेटमेंट 3 सी और डी में है, एंड उसके बाद नागपुर 1923, तो 4 देखो, 3 और 4, दिस द करेक्ट स्टेटमेंट, डी फॉर दिल्ली। एंड क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोइट्स वॉज इन्वाइटेड टू द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कौन सा उर्दू पोइट जो था वो थर्ड सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट किया गया? मोहम्मद इकबाल वॉज द ओनली उर्दू पोइट हु हैव बीन इन्वाइटेड टू द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड क्वेश्चन नंबर 28, दे हैव गिवन लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, यू हैव टू मैच। एंड क्वेश्चन नंबर 28 के लिस्ट फर्स्ट में उन्होंने पर्सन्स दे रखे हैं, एंड लिस्ट सेकेंड में एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं लिस्ट सेकेंड में। तो आपको बताना है कौन सा पर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, ए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो रिलेटेड थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया। ठीक है, ए का वन। एंड एमएम मालवीय, एमएम मालवीय मदन मोहन मालवीय जो रिलेटेड थे हिंदू यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से। ठीक है, सी राजगोपालाचारी फ्री इंडिया सोसाइटी स्वतंत्र पार्टी, सी राजगोपालाचारी एसोसिएटेड थे स्वतंत्र पार्टी से, बी डी सावरकर फ्री इंडिया सोसाइटी से। तो ए का वन, बी का टू, सी का फोर, डी का थ्री, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड ए फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। एंड नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन 29, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 3 बार कौन व्यक्ति 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? क्वेश्चन नंबर 29, दादा भाई नौरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस, 3 बार अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्ट द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया इन एडी 1848। ठीक है, कौन से वायसराय ने 1848 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड डॉलोजी वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम एंड ही हैड स्टार्टेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 31, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रिवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स जो रिवेन्यू था वो रैयत वारी सिस्टम में कलेक्ट किया जाता था। एंड बिफोर बॉम्बे इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स? रॉलेट एक्ट, गांधी इवेंट पैक्ट, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स एंड इल्बर्ट बिल। क्वेश्चन नंबर 32, तो सबसे पहले जो आया था इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, और इल्बर्ट बिल किसके समय आया था? इल्बर्ट बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1883। ठीक है, सबसे पहले आया, उसके बाद मोरली मिंटो रिफॉर्म 1909 1909 में आए, 1883 1909, एंड रॉलेट एक्ट 1919, गांधी इरविन पैक्ट जो था 1931 1931। तो 4312, 4312 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन था, कौन नहीं था, नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। ठीक है,
लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर क्रिप्सन, ए बी और डी तीनों मेंबर्स थे, रेडक्लिफ जो थे वो मेंबर्स नहीं थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ द तानसेन द फेमस म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ठीक है, तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था, अकबर के कोर्ट से संबंधित म्यूजिशियन है बताना है इस ओरिजिनल नेम। क्वेश्चन नंबर 34, राम तनु पांडे वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन। एंड क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इशूड द क्वाइन रूपी फॉर फर्स्ट टाइम, किसने क्वाइन रूपी पहली बार इशू किया था। क्वेश्चन नंबर 35, तो शेर शाह सूरी वॉज द एम्परर हु हैव इशूड द क्वाइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार रुपया को इंट्रोड्यूस शेर शाह सूरी ने किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्मड इन बॉम्बे। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी वो बॉम्बे में फॉर्म तो हुई थी, ये पूछ रहा कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीट एट दिल्ली इन 1919। ठीक, 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसकी उसका जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 37 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, के एम मुंशी, लोकनायक जयप्रकाश। जयप्रकाश वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिसंबर 30, 1946। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने मूव किया था। 39 इज द करेक्ट ऑप्शन, डी डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 40, द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट आहरा प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ रेवेन्यू एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शंस इन हिज ज्यूरिसडिक्शन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर वाज नोन एज। ठीक है, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजू का जो था वो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रेवेन्यू ऑफिसर था इन जनरल। ठीक है, इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 40 बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट स्टेटमेंट राजू का। एंड वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल BKG IAS PCS क्लासेस एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड एंड दे कैन गेट द बेस्ट एंड टू क्वालिफाई फॉर द CDS फर्स्ट 2023। थैंक यू फॉर वॉचिंग।